Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Akhilesh Maths. आज आप लोगों को ज्योमेट्री में जो कुछ पार्ट बचा हुआ था उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हम आप लोगों को ज्योमेट्री में पॉलीगन बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लाइन और एंगल बता चुके हैं, उसके बाद ट्रायंगल बता चुके हैं, उसके बाद ट्रायंगल के बाद होगी आप लोगों का क्वाड्रेटर स्टार्ट किया है ना। यह कंप्लीट हो चुका है, लाइन एंगल कंप्लीट हो चुका है, ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है, और अभी आपको क्वाड्रेटर कराएंगे और इसके बाद तब आपको फिर सर्कल कराया जाएगा, ठीक है। ये दो बात इतने बच गया था, और क्वाड्रेटर में एक पार्ट हम करा चुके हैं। जो लोग अभी तक ज्योमेट्री का मेरा क्लास नहीं किए हैं वो लोग शुरू से देखते आएंगे, ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कम से कम क्वाड्रेटर का फर्स्ट यूनिट आप देख लें, ताकि आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। टाइप ऑफ क्वाड्रेटर में रेक्टेंगल होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर आपका रोम्बस आएगा, ऐसे चलते रहेगा। इसलिए क्वाड्रेटर का फर्स्ट पार्ट देखें, तभी आज आपको रेक्टेंगल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके पहले हम बताना चाहेंगे क्या कंप्लीट करा चुके हैं आपको, नंबर सिस्टम कंप्लीट करा चुके हैं, उसके बाद एलजेब्रा कंप्लीट करा चुके हैं, उसके बाद आप लोग कोऑर्डिनेट टर्म कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिगो या कंटिन्यू है, ये भी लगभग शांति हो जाएगा, कंटिन्यू आपका चल रहा है ना। चलिए उसके बाद आपका बच गया क्या क्या, अर्थमेटिक भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है ना। तो एडवांस में था आपको एलजेब्रा, ट्रिगो, उसके या ज्योमेट्री हो गया है ना, और कोऑर्डिनेट, एलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट है ना, पांच भाग हो गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, और पांचवा आपका मेंसुरेशन, जो मेंसुरेशन से बचा हुआ है उसको जैसे ही खत्म हो जाएगा क्वाड्रेंटल और सर्कल, उसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम कराए चुके हैं, उसके बाद जो अर्थमेटिक कंटिन्यू है वो भी खत्म हो जाएगा, तब उसमें हम डीआई स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। इसलिए आप लोग से हम यही उम्मीद करते हैं कि शुरू से आप सारे क्लास देखेंगे, सारे लेक्चर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। उसके बाद एक बार सारे लेसन आपको परिचित करा देंगे, ताकि इसके बाद हम कठिन से कठिन सवाल भी करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तब तो हम प्रीवियस ईयर का बहुत सारा सवाल कराएंगे, बहुत मॉडिफाइड क्वेश्चन कराएंगे आपको, है ना। इस तरीके से पहले हर लेसन को पढ़ना जरूरी है, इसलिए हर लेसन को थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल करा देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जब सारे लेसन आप पढ़ लेंगे तब हम फिर सेट प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट मेरे साथ बने रहें, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फॉलो कर लें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है। चलिए तो आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाएं और हेडिंग लगा लें, आज हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे, ठीक है। चले आगे दिख पा रहे हैं, ओके। चलिए इसे पहले बेसिक बेसिक से बात करेंगे हम लोग, जो आप लोग जानते हैं उसके बावजूद भी हम बता रहे हैं, ताकि सारे पॉइंट का कलेक्शन एक जगह हो जाए, ताकि आपको रिविजन करने में अच्छा लगे। इतना तो आपको मालूम है, इसको एल ले लें, इसको बी ले लें, तो यह भी एल हो जाएगा, यह भी ये आपको मालूम है, ए बी इक्वल सी डी, जो एल ले थी लंबाई हो गया, बी सी इक्वल ए डी, इसका ब्रेथ चौड़ाई हो गया बी, ठीक है। साथ ही साथ यह भी आपको मालूम है, इसका डायगनल बी इक्वल ए सी बराबर बी डी, इसका डायगनल है ना, और इसकी लंबाई कितनी होती है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट की बात करें यहाँ पे,
ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना तो बेसिक सी बात वैसे ही जानते हैं कि ओ ए इक्वल ओ बी, ओ ए इक्वल पहले ओ सी कर लेते हैं फिर ओ बी इक्वल ओ डी कर लेते हैं। यह चारों पार्ट क्या है, यह चारों पार्ट आपस में आपका बराबर है ना, कि ओ ए चूंकि यह मालूम है यह बाइसेप्ट करता है इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में ज्ञात क्या ओ ए और ओ सी बराबर, इधर OB और OD बराबर, और चारों बराबर हो जाएगा। क्यों चारों बराबर हो जाएगा, क्योंकि BD और AC डायगोनल बराबर है, अगर उसको बाइसेक्ट किया तो यह चारों भाग भी क्या हो गया। तो पहली बात हम लोग यहां सीखेंगे कि एरिया, एरिया क्लियर है, एल इंटू बी आप कर लेंगे, डायगोनल आपको हम बताए दिए रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परिमीटर ट्वाइस एल प्लस, क्लियर। उसके बाद इसका जो डायगोनल होता है वह परपेंडिकुलर, एक का नाम डी वन ले लिए जो बराबर ही कह रहा है, ए सी और बी डी दोनों बराबर ही होगा है ना, ए सी इसको डी वन कर लेते हैं और इसको डी टू कर लेते हैं। तो यहाँ डायगोनल डी वन इक्वल डी टू तो है, बट D1 परपेंडिकुलर नहीं होगा D2। ऐसा क्यों, देखिए क्यों ऐसा होगा, इसको हम थीटा एंगल मानते हैं और आपको मालूम है कि यह भाग और यह भाग बराबर है, इसके सामने थीटा इसके सामने यह भी क्या होगा थीटा, यह कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो यह कितना हो जाएगा, क्योंकि यह पूरा 180 होता है तो 180 माइनस 2 थीटा हो गया, जब 2 थीटा होना पड़ेगा। तो आपको यह बात पता चल गया कि यह आपका जो यहाँ मान परपेंडिकुलर होने के लिए थीटा का मान कितना चाहिए, थीटा का मान आपको चाहिए कितना 45, या 45 लेंगे तब ना 45 इंटू टू 90, इसमें घट के 90 होगा, थीटा 45 होगा तभी तो, लेकिन 45 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह एंगल जो देख रहे हैं यह भुजा एल और बी बराबर नहीं है, जब एल और बी आपका बराबर नहीं है इसलिए बीचों बीच यह नहीं जा सकता, यदि एल और बी इक्वल होता तब तो ये बीचों बीच जाता और यह 45 और यह भी क्या होता 45 होता, लेकिन यह थीटा है तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 45, यदि हम करेंगे और यह 45 करते हैं इसका मतलब है कि एल और बी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से पता चल गया कि दोनों परपेंडिकुलर, डायगोनल बराबर है लेकिन परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा पॉइंट है डायगोनल्स नॉट बाइसेक्ट, दिख रहा है आप लोगों को, वर्टेक्स एंगल, डायगोनल जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, मतलब कहने मतलब यह थीटा दिया और थीटा नहीं हो सकता है कभी, जस्ट बताया गया क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहां जैसे हम यहां निकालना चाहेंगे यह एंगल टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा टेन थीटा बी बाय एन, इधर से लगा ले इसको टेन 90 माइनस थीटा, इसके लिए लंब हो जाएगा एल और बेस हो जाएगा बी, क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, बी बाय एल और यहां क्या हो रहा है एल बाय बी, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो टेन थीटा जब निकाले तो अब लंब हो जाएगा और यह आधार हो गया, इस एंगल में टेन लगाएंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो गया, यदि आप बी बाय एल और एल बाय बी बराबर तभी हो सकता है जब एल और बी बराबर होता है, यहां बराबर है नहीं, इसका मतलब हो गया कि थीटा थीटा इज नॉट इक्वल 90 माइनस थीटा, तो थीटा 90 माइनस थीटा के जब बराबर नहीं है इसका मतलब बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल नॉट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट वर्टेक्स, क्लियर है। आगे चले इजाजत, पॉइंट फोर, पॉइंट फोर पे एक फिगर बना लें, ए बी सी डी, ठीक है, चौथा पॉइंट में देखेंगे हम लोग, इसको मिला पहले इतना सा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी चूंकि ए है और यह बी है, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इधर हो जाएगा ए सी डी इक्वल होगा, और यह इक्वल होगा इस डायगोनल को लेंगे तो क्या हो जाएगा
ए बी डी, ये कल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, जो क्या हो जाएगा पूरे का हाफ। इससे क्या पता चला, चूंकि डायगोनल जो है एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड किया है, रेक्टेंगल में हर जगह नहीं होगा, रेक्टेंगल में क्या हो रहा है एरिया को दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल की हम बात करेंगे, हम कैसे हो गया, चूंकि यह इसके एरिया नहीं पूछेंगे, ए सी डी या ए बी सी के एरिया आप क्या बताएंगे, एन इंटू बी और वन बाय टू, क्योंकि ट्रेंगल है ए बी सी और ये 90 होता है ना। चलिए तो यह क्या एन इंटू बी, जबकि पूरे का एरिया निकालेंगे ए बी सी डी का तो एन इंटू बी होगा, और इसका आधा करेंगे, क्लियर। पांचवा पॉइंट हो गया यह जो भाग देखो, और आपको एक बात मालूम है कि यह कोई ट्रायंगल है ए बी सी और यह मीडियन बी डी, यदि मीडियन है इसका एरिया एक, तो इसका भी एरिया क्या हुआ है उसके बेस पर डिपेंड करता है, जिस अनुपात में बेस को डिवाइड किया या डायगोनल मीडियन, सॉरी जिस अनुपात में यह लाइन ए डी डिवाइड किया उस अनुपात में एरिया होता है, यदि 2:1 करता है 2:2 एरिया 2 इसका 1 होता है, लेकिन मीडियन यदि है इक्वल यदि कर रहा है इक्वल, यह भाग बराबर है एरिया भी क्या होगा, तो बराबर होगा। अब बताएं यहां से कि यह बी ओ जो देख रहे हैं यह और यह भाग बराबर है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना एक दूसरे को, और यह भाग यह बराबर नहीं, इसका मतलब यह इसका क्या हो गया मीडियन हो गया, इसका एरिया ए इसका एरिया ए, क्योंकि यह जो है मीडियन होता है इसका ए सी, ए बी सी में बी ओ मीडियन है ना, इसका इसका एरिया बराबर, तो इधर वाले में आइए या ओसी मीडियन हो गया किसका डी बी सी का, ये एरिया एक भी है, फिर इस दोनों देखिए कि डी ओ मीडियन हो गया किसका डी ए सी का, या एक भी है, तो चारों मीडियन क्या हो गया बराबर, हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा 1/4 ऑफ ए बी सी डी, पूरे एरिया का कितना हो गया चौथा एरिया, ठीक है 1/4 ऑफ ए बी सी डी, क्लियर है ये एरिया है, एरिया आप लगा लें। चले आगे, चलिए सिक्स पॉइंट हो जाएगा ए बी सी, यदि इसमें हम कहीं भी एक पॉइंट ले लें कहीं भी, तो यह एरिया जो इसका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बी यह होगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, है ना, इसका जो एरिया होगा पूरे का, तो बोलेंगे आप कैसे हो, चूंकि ये एन है और यह बी है, ये जो लंब डालेंगे आप तो यह बी का ही काम करेगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 ऑफ एल बी, जो उधर भी है इसका एरिया क्या है एल बी, तो एल बी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मिल जाएगा, तो ए पी बी का एरिया पूरे का था, कहीं मिला है इसका भी लेते हैं वही होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी क्यू कर लें, डी क्यू बी इस पर लेंथ क्यू डी क्यू बी इक्वल हो जाता 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, क्लियर है आगे चलें। सेवन पॉइंट में लिखेंगे आप सातवां नंबर में, ये जैसे रेक्टेंगल है ए बी सी, कई एक पॉइंट ठीक है पी भी एनी पॉइंट कहीं भी हो, तब जो इसका एरिया मान लें A1, इसका एरिया A2, इसका A3 है, इसका 4 है, इसका एरिया हो जाएगा A1 प्लस A3 इक्वल हो जाएगा A2 प्लस A3, कैसे हो है ना, देख यह एन है या बी है इसको मिला लीजिए पी पॉइंट ऑफ है, इसको H1 कर लिए और इसको H2 कर लिए, अब A1 के एरिया आप बता सकते हैं, तो A1 का आप एरिया बताएंगे 1/2 L इंटू हाइट कितना H1, इसका एरिया आपसे पूछा जाएगा क्या बताएंगे A3 का एरिया उधर वाले का 1/2 बेस L हो जाएगा या और हाइट H2,
और दोनों क्या करना है जोड़ना है, हम लेफ्ट साइड लेकर चलते। तो यहाँ से पता चलेगा 1/2 L कॉमन H1+H2, 1/2 L कॉमन H1+H2 मिलकर कितना हो जाएगा, B हो गया ना। जो पता चल गया पूरे रेक्टेंगल का एरिया, जो A1 A3 का जो एरिया आया पूरे रेक्टेंगल का क्या आ गया, आधा हो गया। आधा जब आ गया पूरे रेक्टेंगल का एरिया A1 और A3 का एरिया जो है पूरे का आधा, इसका मतलब A2 और A4 का एरिया क्या होगा, पूरे का आधा। इसलिए A1 और A3 का एरिया और A2 A4 का एरिया बराबर। क्लियर। आठवां पॉइंट, A, B, C। ठीक। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं। ये मिड पॉइंट है रेक्टेंगल का, जब मिड पॉइंट को मिलाएंगे क्या होगा, ठीक है, तो आपको बताना है P, Q, R और S या क्या बनेगा, है ना। देखिए इसको लेते हैं, इसको पहले इसको मिला है ना, इसको जब मिला है तब क्या पता चल रहा है कि इस एंगल में A, D और C, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल में यदि आपसे पूछें तो बताएंगे कि यह पॉइंट मिड पॉइंट हो गया और ये भी मिड पॉइंट है, किसका, AD का मिड पॉइंट S और DC का मिड पॉइंट R। जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं क्या होगा, यह दोनों लाइन समानांतर होगा और इसका यह आधा होगा ना। अब इसका लेंथ हम मान लेंगे 2a दिया हो जाएगा ये, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2a। उसी प्रकार इस एंगल की बात करें ABC का, यह 2a थी, समानांतर आधा होगा, यह भी क्या लेंथ हो जाएगा ये। तो आपको पता चल गया कि SQ समानांतर क्या होगा, ऐसा समानांतर हो गया PQ और बराबर भी। उसी प्रकार इधर से यदि मिलाएंगे इसको, इधर मिलाएंगे मान लें इसको, हम लेंथ मान लेंगे इसको 2b, तो यह हो जाएगा b और यह भी हो जाएगा b, होगा ना। तो यहां से पता चल गया आपको कि SP समानांतर RQ और दोनों यह a के बराबर था और यह क्या हो गया, b के बराबर, ठीक है। अब आपको पता चल गया बराबर, ओके। अब यह बताइए लेकिन दोनों डायमेंड क्या आपस में है, बराबर ही है, तो जब दोनों डायमेंड को बराबर है इसको भी 2a करना पड़ेगा, यह भी हो जाएगा ए और यह भी हो जाएगा ए, तो यह भी हो गया ए। तो क्या पता चला कि यदि हम डायगोनल 2a मानेंगे, यदि भी 2a होगा इसका यह आधा, इसका भी आधा, यह 2a का आधा है, इसका भी आधा है, तो चारों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यह पता चला बराबर हो गया, तो स्क्वायर होगा या रोमबस होगा, तब क्या होगा उसमें कैसे पता चलेगा, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह 90 कट करता है, इसके रोमबस का डायगोनल 90 कट, सॉरी रोमबस का भी डायगोनल क्या होता है 90 कट करता है, और स्क्वायर का भी डायगोनल क्या होता है 90 पे ही कट करता है, करता है ना, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको, अब डायगोनल्स पता चल पाएगा तब, क्योंकि दोनों का डायगोनल 90 तो कट करेगा ही करेगा, पता कहाँ चल पाएगा कि रोमबस का जो चारों भुजा बराबर और स्क्वायर का भी चारों भुजा बराबर होता ही होता है, लेकिन स्क्वायर का डायगोनल बराबर होगा और रोमबस का डायगोनल बराबर नहीं होगा। देखिए तो रोमबस का डायगोनल कौन होगा, SQ, जो भी है रेक्टेंगल जो बन रहा है PQRS का एक डायगोनल SQ है, यह बराबर नहीं होगा किसके, PR, क्यों, क्योंकि SQ जो है L का काम करेगा और यह जो काम करेगा B का करेगा, PR क्या है, PR आपका B है। आई बात समझ, हम यहां बताना चाह रहे थे आपको इतना सा बात समझना है, क्या बात समझना है कि यह एक रेक्टेंगल था, हम इसकी डायगोनल 2a मान ली और यह मिड पॉइंट मिला रहे थे, 2a दिया ए, इधर भी 2a दिया ए, यह भी 2a होगा क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर है, यह भी है यह भी है, चारों भुजा बराबर हो गया, तो यह स्क्वायर होगा या तो रोमबस होगा, रोमबस में क्या होता है डायगोनल बराबर नहीं होता है। तो आप देखें कि RP डायगोनल हो रहा है किसका, PQRS का, और SQ भी डायगोनल है जो कि SQL के बराबर है और RP B के बराबर, जो बराबर नहीं है, इसका मतलब हो गया कि यह PQRS जो बन रहा है यह क्या है, रोमबस। क्लियर है, तब याद क्या रखें, बहुत बार एग्जाम इसमें लाया हुआ है कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने, साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, तब क्या बताएंगे, रोमबस बताएंगे। बात क्लियर है, आगे चले।
ए बी सी ठीक है। चलिए इसमें कहीं भी एक पॉइंट पी लेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी है ना, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, कहीं भी पॉइंट है ना इसके अंदर। खैर बाहर के लिए हम प्रूव करके बताएंगे, इसको ए नंबर करना, बी नंबर हम बताएंगे पी बाहर होगा तो उसमें भी रिलेशन सेम आएगा, पहले इस बात को हम लोग जान सकते हैं। चलते हैं, यह एल है और ये आपका बी है ठीक है, इसको वाई मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। अब आप लोग बताएंगे आपको वाई, या कुछ नाम ले लीजिए पी और यह, सॉरी पी ले चुके हैं एल और यह पी ठीक है, ये नाम का पी है। चलिए बताइए तो वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इस, क्योंकि यह तो लंब होगा, चूंकि यह सारा लाइन ही होता है, इस समानांतर नहीं है लाइन, यह एम एल समानांतर है डी ए के और बी सी के, तो 90 अभी क्या होगा 90 होगा। चलिए बताइए तो वाई स्क्वायर की भी बात करें तो आप बताएंगे इधर वाले में पी डी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस डी एम स्क्वायर, इस एंगल की बात करें तो क्या होगा हाइपोटेनस सी पी स्क्वायर या पी सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा एम सी स्क्वायर, क्लियर है। फिर इस एंगल एक्स वाले में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का मान बताइए, इस एंगल की बात कर रहे तो पी ए पी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर माइनस एल हाइपोटेनस और बेस स्क्वायर, इस एंगल की बात करें तो आप क्या बताएंगे इसमें हाइपोटेनस पी बी स्क्वायर और बेस हो गया एल बी स्क्वायर होगा, इसको सब ट्रैक्ट कीजिए तो देखिए तो कुछ कैंसिल होगा क्या, पी डी पी और एल डी तो रहेगा ही रहेगा और डी एन डी और एन डी और एम देखें डीएम और एल क्या है बराबर, यह दोनों कर माइनस प्लस माइनस प्लस यह कट जाएगा, कुछ लोगों का नहीं कट रहा होगा लेकिन ध्यान से रखने के बाद आपका भी कट जाएगा, क्यों डीएम और एल डीएम यह भाग और एल यह भाग, डीएम और एल क्या है बराबर, इसलिए कट जाएगा माइनस प्लस, यह हो गया पी डी स्क्वायर माइनस पी एच पी। इधर आइए एम सी और एल बी यह भाग एम सी और एल बी बराबर है इसलिए कट जाएगा पी सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां सब ओवरऑल आ गया पी ए स्क्वायर प्लस, इसको उधर लिख ले जाए पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इसको इधर लिख आए पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर है ना, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस पी सी, बहुत बार इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, इन चारों में कोई दिया रहेगा आपको दे देगा कि पी ए 5 सेंटीमीटर, पी सी 4 सेंटीमीटर, पी डी 6 सेंटीमीटर, तो पी बी बताइए। अब आसानी से रख के रख निकाल सकते हैं क्या होगा पी ए स्क्वायर 25, पी सी स्क्वायर 60, पी बी स्क्वायर निकालना है, पी बी निकालना है और पी डी स्क्वायर 36 आएगा, तो 25 और 16 कितना हो गया 41 में 36 घटेगा 5 तो पी बी निकल जाएगा रूट ओवर, बात क्लियर। तो ये हम लोगों ने बहुत बार इस एग्जाम में सवाल आया होगा, तो ये तो हम लोग निकाला कि ये अंदर का हिसाब है, जब उस पॉइंट को हम बाहर करेंगे तो क्या, उस पर एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ए बी सी डी अंदर कोई पॉइंट पी था तो डायरेक्टली हम लोग देख रहे थे पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, उसी प्रकार यदि पी पॉइंट बाहर भी हो गया कहीं भी, इधर हो इधर हो इधर हो कहीं भी, तो पी ए प्लस पी बी इक्वल पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर इक्वल पी सी स्क्वायर पी डी स्क्वायर, देख कैसे आते ऐसे लंब डाल दीजिए, इसको मान लिए वाई तो हो जाएगा एल माइनस बी होगा, इसको मान लिया एक्स और यह बी है ठीक है। चलिए हम लोग को लाना है पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, सर पी ए स्क्वायर, हाँ ठीक है पहले पी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा
फिर आप समझ लें जैसे यहाँ भी बताया गया डायगोनली पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, वैसे यहाँ भी होगा पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर है ना, और इक्वल हो जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर डायगोनली, ए सी वाला डायगोनल और बी डी का डायगोनल, ए सी वाला में क्या होगा पी ए पी सी और बी डी वाला में क्या होगा पी बी और पी डी है ना, कहने का मतलब डायगोनल के साथ खाली पी लगा देना। आइए कैसे आ रहा है इस बात को हम समझाते हैं आप। अरे हम इसको ही बात करें एल एच एस वाले बात पी ए आप लिख सकते हैं कितना पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, पी एम का मतलब हो गया पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए एम का मतलब हो गया वाई स्क्वायर है ना। चलिए इसको जब आप बड़े करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी एम पी एम हो गया पी एम स्क्वायर पी ए पी ए को लिखा गया पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर ठीक है। पी सी को भी लिखना है, पी सी को आप क्या लिखेंगे पी सी ये छोटे वाले में पी एन सी में बताइए पी एन सी में पी सी स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा पी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर और पी एन को लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर और एन सी को लिखा जाएगा एन माइनस बी स्क्वायर। बात समझ पाएंगे आप लोग। उसी प्रकार से अब यहां लेंगे आर एच मतलब आर एच एस का पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर पी बी पी बी आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर और पी डी वाले में पी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर है ना। पी एम तो आप लिख सकते हैं कितना पी एम फिगर्स आप लोग खुद देख पा रहे हैं बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एम बी एम और बी को लिखा जाएगा एन माइनस बी का होल स्क्वायर, पी और एन को लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, डी एन को लिखा जाएगा वाई स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा पी और पी सी स्क्वायर का जो मान आया वही मान आपका किसका आया पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर का, एल माइनस बी आ गया पी प्लस एक्स आ गया एक्स और वाई आ गया। बात क्लियर है आगे चले। टेन नंबर एक रेक्टेंगल है ए बी सी ठीक है। अब चारों कोण का एंगल वैसे कर लेंगे, इसका एंगल वैसे ठीक है, इसका एंगल वैसे इसका एंगल वैसे और इसका एंगल वैसे इस तरह जो भी बने नाउ ले लीजिए आप पी क्यू आर एस। आपको बताना है कि पी क्यू आर एस क्या होगा, ये एंगल का सेक्टर होने का मतलब यह 45 यह भी 45 यह भी 45 यह भी 45 तो यह भी कितना हो जाएगा 45 45 या 90 क्लियर। उसी प्रकार इधर से भी हो जाएगा कि यह 45 यह 45 यह 45 सॉरी यह 90 ये भी 90 सेम उसी प्रकार से इधर भी 45 या 45 तो या 90 45 45 या 90 दी भी 90। अब 90 90 आ गया अब रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा कैसे पता चलेगा, तब इसके लिए क्या समझना पड़ेगा देखिए इस एंगल को देखिए ए क्यू बी को देखिए इसको इस एंगल को देखिए इसको देखने से हमको पता चल पा रहा है कि यदि हम ए क्यू को वाई मान लें ए क्यू को वाई ठीक है और इसको मान लेंगे एक्स तो ये बीच में कितना हो जाएगा वाई माइनस क्यू सॉरी वाई माइनस एक्स समझेगा ध्यान से। ए से क्यू को वाई ले लिए और ए से एल को ले लिए एक्स तो यह भाग हो जाएगा वाई माइनस एक्स। उसी प्रकार से यदि ए क्यू आपका है वाई तो यह भी भाग ले क्या होगा वाई होगा, क्यों यह एंगल इक्वल है इसके सामने का यह साइड और क्योंकि यहाँ पे ए क्यू इक्वल क्या हो जाएगा बी क्यू, क्यों ए क्यू बी क्यू बराबर होगा क्योंकि ए क्यू के सामने का एंगल 45 बी क्यू के सामने का एंगल 45 बराबर होगा। फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जब यहाँ पूरा वाई हो गया उसके बाद यह कुछ बात आप लोग बताएंगे यहाँ पे यह भाग जो देख रहे एक्स है ना यह एक्स इधर भी यह क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्यों क्योंकि ट्रेंगल ए एन डी यस सॉरी कंग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ए एन डी बराबर हो जाएगा बी आर सी
होगा ना बी आर से, यहाँ आपको पता चलेगा इसमें से इसमें ए एल बराबर कितना होगा बी आर, तो ए एल इधर क्या हो रहा है बी आर बराबर हो रहा है, ठीक है 40 सामने 45 के सामने, इधर 45 के सामने बी आर, इधर 45 के सामने ए, ठीक है बराबर हो गया। फिर इसको आप एक से लेंगे तो यह हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब आप बताएंगे यहाँ पे क्या बताएंगे कि यह भी वाई माइनस एक्स, यह भी वाई माइनस एक्स और यह 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, सामने भी है y minus x, इसके सामने भी है y minus x, इसका मतलब हो गया कि PQR जो बनेगा क्या बनेगा इसका, ठीक है आई बात समझ। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल आधे हम आपसे क्वेश्चन याद है दिख पा रहा आप लोगों ए बी सी डी इस रेक्टेंगल, ठीक है ए बी सी डी क्या है रेक्टेंगल, तो आपको यहां बताना है कि रेक्टेंगल का इस भाग का एरिया 13 है, इसका 13 स्क्वायर यूनिट है, या क्या होगा इसका 16 है, अब क्या होता है तो आपको यहां देख पा रहे हैं अनुपात कितना आ रहा है 1:3, तो 1:13 के बराबर है 3:39 बराबर है, उसी प्रकार इधर भी क्या होगा 1:3, तो 1 हो गया 16 तो 3 कितना हो गया 48, बात क्लियर है आपको देख लेना चूंकि सेम बेस पर बन रहा है, इस भाग का एक अनुपात आ रहा है तो इस भाग का 3, तो यहाँ भी एक और यहाँ भी 3 क्योंकि अलाइन सेम है दोनों पर, है ना क्योंकि परपेंडिकुलर काम करेगा, तो यहाँ से पता चल गया कि 16 1 यूनिट के बराबर है तो 3 यूनिट कितना होगा 48। आगे चलो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना एग्जाम आया हुआ है, इस वाला एग्जाम पूछा हुआ है, ये एग्जाम आपको आ सकता है। पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, इसमें कहता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल पर रेक्टेंगल के रिगार्डिंग इस वाला आपको दिया जा रहा है, और यह दे दिया कि पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट होगा ए बी का, क्यू मिड पॉइंट होगा ए डी का, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू और पूरे का एरिया का अनुपात, तो रेक्टेंगल कुछ मान लेते हैं, इसको हम सपोज कर लेंगे 4, इसको सपोज कर लेंगे 2, ठीक है सपोज के जब सपोज आप किए तब बताइए आप इसको 2 होना पड़ेगा, ये भी 2 होना पड़ेगा 4 लिए तो, या 2 लिए तो इसको 1, इसको 1 लेना पड़ेगा, इसका एरिया कितना, इसका एरिया जब निकालना है 1/2, बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया, इसका एरिया निकालेंगे 1/2 2 × 2 बेस एंड हाइट, यहाँ एरिया आ गया क्लियर है, और इसका एरिया निकालेंगे कि अब 4 है तो 1/2 4 × 1 ये आ जाएगा 2, और पूरे के एरिया जब निकालेंगे ए बी सी डी का तो ए बी सी डी में चौड़ाई है 2 और लंबाई है 4 8, तो पूरे 8 में कितना बढ़ गया 2 और 1 3 2 5, तो 8 में से 5 निकालेंगे कितना आ गया बीच, बीच का आंसर कितना एरिया कितना आ गया 3 आ गया, आंसर हो गया सी पी क्यू 3 और बाय ए बी सी डी कितना 8, इसको ध्यान रखना। ऐसा सवाल हम लोग पैरेललोग्राम में भी आपको बताएंगे, वहाँ भी सेम आंसर आएगा, ठीक है ना इसको याद रखिएगा, लेकिन उसको करने का तरीका कुछ अलग हुआ क्योंकि ये तो आपका 90 बन रहा था तब तो 1/2 बेस इनटू हाइट कर लिए, ठीक है क्योंकि रेक्टेंगल की सब जगह 90 है, क्लियर आई तीन में क्या कहा गया, यहाँ ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, एरिया आपको दे दिया डी आर एफ, डी आर एफ इसका एरिया दिया है कितना 3, उसके बाद पी बी ई पी बी ई इसका एरिया दे दिया है, इसको लिख देते हैं यहाँ 3 एरिया इसका दिया हुआ है, इसका 2 एरिया दिया हुआ है, और एफ क्यू ई सी एफ क्यू ई सी इसका एरिया इस वाले भाग का एरिया कितना दिया है 20 दिया है, आपको एरिया किसका बताना है ए आर क्यू पी का बताना है, ए आर क्यू साइड वाले भाग का एरिया बताना है इसका एरिया, ठीक समझिएगा कुछ मान लेते हैं, इसको मान लिए ए इसको बी इसको सी इसको डी इसको ई इसको एफ इसको जी मान ली, मतलब जो निकालना है एरिया उसका एरिया का नाम आप क्या ले लिए डी ले लिए, ये निकालना क्लियर। चलिए बताइए आपको बताया गया था यदि इसका कोई भी रेक्टेंगल है इसको मिला देंगे ए पी बी का जो एरिया होता था वो क्या होता था, ए पी बी का एरिया हाफ ऑफ ए बी सी, उसी प्रकार बताइए तो ए ई डी
पूरे का आधा, ए एफ बी पूरे का आधा। हम ऐसा कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से ए एफ बी जो पूरे का जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ए ई डी इस ट्रायंगल का और ए एफ बी इस ईयर ट्रायंगल के, ए एफ बी पूरे का क्या हो जाएगा जो कितना हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। नाम लेवे के सबको लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। पूछिएगा ए ई डी में कौन कौन भाग आया, ए ई और डी में जो आपका भाग आ रहा है कौन कौन आ रहा है आपका भाग, इसमें एक नाम छूट गया, इसको भी लगा लेते हैं जी, इसको एच कर लेते हैं, ठीक है, चलो। तो पूरे एरिया में कौन आ जाएगा, एच भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ए डी का एरिया बताइए, ए ई बी में जो कौन कौन सा भाग आ रहा है, इसमें आ गया ए डी एच, ए एफ बी में क्या आ रहा है, ए एफ बी में आ रहा है, देखिएगा सी डी जी इधर दिया है ए बी सी डी ई एफ बी और एच, यहाँ एच लिखा हुआ है, दिख रहा है एच, शायद लगता है एच हम लोग को नहीं दिख पा रहा, फिर कोई बात नहीं है, अब दिख रहा है यहाँ पर एच, ठीक है। चलिए अब कटाइए, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ लास्ट में एच लिखे हुए हैं, एच एस से कैंसिल हो गया, जी जी से कैंसिल हो गया, उसके बाद ए ए से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सी सी से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद एच डी या डी से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा मेरे पास क्या, लेफ्ट साइड में आपको डी बच रहा है, ठीक ना, इधर लिखना है, लेफ्ट साइड में आपको बच गया डी, ठीक है, और राइट साइड में आपको बच रहा है डी ई एफ, बी प्लस ई प्लस एफ। अब बी वाले को देखे एरिया कितना दिया था, थ्री, ई वाले का एरिया कितना दिया है, ट्वेंटी, और एफ वाले का एरिया कितना दिया है, दो, कितना हो गया यार, 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर है क्या, कि ई ई डी और ए एफ डी का एरिया ले लिए जो पूरे के बराबर हो गया, पूरे वाले में कितना भाग आ रहा था, ई बी सी डी ई एफ जी एच सबको लिख दिए, जो कैंसिल हुआ कटा दिए, बाकी आपका जो बचा था उसका मान आपको दिया हुआ है ना, उसको रख दिए, क्योंकि इसका नाम आपको दिया हुआ था बी और इसका नाम दिया हुआ था आपका ई और इसका नाम दिया हुआ है एफ, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, बस रख दिया मान आगे हम सब समझने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात होगी इसमें, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। दिया गया है इन गिवन फिगर ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल, ए का लेंथ दिया हुआ है 7, ए डी का लेंथ 24, बी एफ का लेंथ आपको दिया है 15 और ए बी बताना है कितना है, ए बी एल लेंथ, ठीक है, क्या करेंगे इसको करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है, तो इसको एम लेते हैं ना, इसको एम लेते हैं, तो ए बी निकालने का मतलब एम और एम निकालना पड़ेगा और एम एन आपको चाहिए, एम एफ और एफ एन चाहिए, ठीक है, आइए जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है पता है 7 24 या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 7 24 25 ये भी 25 होगा, ये 15 25 ये 20 होगा, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी एफ सी, बी एफ सी जब राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, अब बताइए यह 3 है या 4 है या 5, इसको यदि 5 से गुणा करेंगे 15, 5 करेंगे 20, 5 करेंगे 25, तो 15 20 25, तो 15 25 साथ यह कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए अब बताइए यह भाग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप देखिए लंब जब डाला गया, अब 15 के साथ रिलेशन आपको याद कीजिए, 15 9 12 15 या 9 12 15, 9 लेंगे तो कितना हो गया 16 12 15, स्टार्ट किया, देखिए यह भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, आप x मान के भी निकाल सकते हैं, हम इसको मान लेते भी x, तो इधर कितना होता 25 माइनस x, तो यह x मानते 25 माइनस x होता और यह दोनों को मान आता है, इतना बड़ा इतना स्क्वायर और क्या होगा 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, इधर 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर कर लेते हैं, इसको x मानते 25 माइनस x होता, लेकिन हम बैलेंस करके निकाल लिए कि यदि 9 लेते हैं
तो 9 12 15 से स्टार्ट कर रहा है, इधर 9 लेंगे इधर कितना हो जाएगा, 25 में 9 निकलेगा तो 16 16 12 20 से स्टार्ट कर रहा है, राइट एंगल। चलिए अभी ऊपर का निकालना पड़ेगा, ऊपर का निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 लगा लीजिए ठीक है, इस एंगल में देखते हैं इसके लंब हो जाएगा MF और बेस हो जाएगा MP और EDA में tan थीटा कितना होगा, tan थीटा का समय लंब हो गया AE और इसके बेस हो जाएगा AD, क्या बात क्लियर है, बढ़िया सब लोग देख रहे हैं कि इस tan थीटा को लेंगे छोटे वाले में हो गया लंब MF और आधार हो गया MP और बड़े वाले में हो जाएगा लंब AE और आधार हो जाएगा AD का एंगल AD बन रहा है क्योंकि यह 90 समझ दिया हाइपोटेनस हो जाएगा AD ना ठीक। MF कितना, MF निकालना, MD कितना, MD 16 दिया हो जाएगा 16, AE AE 7 दिया हुआ, ED E और D कितना दिया है 24, ED देखिए 24 और AE था 7 ठीक है, 8 ने 16 8 दिया 24 तो MF निकल गया 7 ने 14 देते ठीक है, इसलिए आपको निकालना था MF इक्वल हो जाएगा MF प्लस FM और MF निकाले 14/3 और FN निकाले हैं 12 बांटे 36 14 कितना हो गया 50 ठीक है, इसको फिर एक बार आप देख लेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझा जाएंगे। तो आपको आज इसका कंसेप्ट के साथ कुछ सवाल कराएं, कुछ बेहतरीन सवाल कराएं, कभी एग्जाम ऐसा आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है ठीक ना, यदि डिफिकल्ट पूछेगा तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में जो कि इस क्वाड्रेटल को हम आगे करेंगे, क्वाड्रेटल हो गया उसका रेक्टेंगल हो गया, अब कल पढ़ेंगे स्क्वायर, तब तक के लिए बाय।